आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना तो आपके इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को तो अपना सपना माना और पूरी जान झोंक उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून तो हम हैं आपके साथ रेलवे में ए तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एस एस मेकर लेकर आया है पायलट मैच जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे ए तथा टेक्निशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है तो देरी किस बात की आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एस एस मेकर ऐप और दिए गए नंबर आरोप कॉल करें हर हर महादेव आप सभी को जय श्री राम हर हर महादेव राधे राधे आप सभी को तो दोस्तों संडे को भी आप लोग आए हैं मेरे साथ जुड़े हैं पहली बात की बहुत खुशी की है दूसरी बात अपना पीठ थपथवा लीजिए क्योंकि आप जुड़े हैं आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब अपने जीवन को लेकर आप सीरियस हैं जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत बच्चे नहीं हैं ठीक है थीके? बहुत ही अच्छे से आज से सेशन का हम शुरुआत करेंगे ठीक है आज का सेशन किसके ऊपर बेस्ड है बहुत बढ़िया सबको आवाज़ आ रही है ना हाँ बहुत अच्छे तो दोस्तों एक बात सुनिए ठीक है अगर मैं बता दूं कि हम किसके लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ठीक है बहुत बहुत जय श्री राम आप सभी को हर हर महादेव जय भीम गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ठीक है दोस्तों रेलवे का एल एग्जाम हो ग्रुप डी हो कॉन्स्टेबल हो या फिर एस हो ठीक है हम सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं चलिए बहुत ही बढ़िया गुड आफ्टरनून आप सभी को बहुत ही बढ़िया हर हर महादेव और संडे के दिन सच में अगर आप लोग आए हैं खड़े हैं पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ठीक है क्योंकि आप अगर इतने सीरियस है खुद को लेकर आप देखिए आपको रिजल्ट हंड्रेड परसेंट मिलेगा ठीक है इसलिए भी मिलेगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ हो सकता है मैं नहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट अगर इस दिन भी आप यहां पर अगर पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि बहुत लोग नहीं पढ़ रहे हैं संडे है एन्जॉय करते हैं वो सब बातें खुद से आप बोलिए कि जब तक सिलेक्शन ना हो एंजॉयमेंट का कोई मतलब है नहीं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया राजपुताना की पावन भूमि से हर हर महादेव बिल्कुल हर हर महादेव आप सभी को हर हर महादेव ठीक है चलिए बहुत ही प्यार से बहुत ही प्यार से क्वेश्चन नंबर वन पे ध्यान देते हैं दोस्त ठीक है चलिए आइए आराम से करेंगे आज संडे का दिन है ठीक है बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे चलिए बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया हफीजा खान सर नाम भी लीजिए किसका नाम चलिए आइए राम, राम 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 भाई गुड्डू पांडे जी आपको राम राम चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर एक पर ध्यान दीजिए गुड आफ्टरनून बहुत सभी को ठीक है चलिए ठीक है मैंने शुरू कर दिया है 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 ठीक और एक बात है दोस्त जैसे ही आपको प्रश्न दिखे ना एकदम जैसे शेर कैसे को झपट पड़ता है ना वैसे झपटिए क्योंकि सबसे पहले आपको आंसर देना है ठीक है चलिए ध्यान दीजिए पे ठीक है सब लोग बहुत बढ़िया से ठीक है यूपी थर्टी सेवन बहुत पहले एक प्रिंस गुप्ता जी का आंसर आया थर्टी सेवन उनके पहले का मगरमक जी का आंसर आ चुका है बहुत बढ़िया क्या नाम है आपके मैं तो भूल नहीं पाता हूँ ठीक है थर्टी ऑप्शन आ चुका है ऑप्शन आ चुका है ठीक है बहुत आराम से धीरे धीरे को हम लोग लेते हैं मैंने आप, आपको बताया कि मैं थोड़ा थोड़ा आराम से चलता हूं फिर हमारी स्पीड बढ़ती है और आगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन को हम लोग डील करते हुए आगे निकल जाएंगे ठीक है और ध्यान दीजिए एक और बात ठीक है मैंने आप लोगों को बोला है कि जब भी आप सुबह उठिए सुबह उठने के साथ चाहे दिन हो या कुछ भी कोई भी दिन किसी भी दिन आप उठिए संडे हो मंडे हो कोई भी दिन हो कोई त्यौहार हो सिर्फ दस मिनट लगता है दोस्त सिर्फ दस मिनट लगता है अपना जीवन बनाने के अगर दस मिनट आपने देना शुरू कर दिया ना तो बहुत ही फायदा होगा आपको करना क्या है आपको स्क्वायर करना है ठीक है वर्क करने हैं आपको क्यूब करना है आपको दस प्लस करने हैं माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ठीक है आपको सिर्फ ये सभी दस 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 करने हैं आप देखिए बहुत बढ़िया जिनका भी बी करेक्ट है दैट्स वेरी गुड ठीक है देखते हैं आगे हम मैं करवाऊंगा तो बताऊंगा बीस करेक्ट अलाहाबादी गर्ल जी ठीक है बहुत बढ़िया तो बस दोस्तों अगर आप इसको करना शुरू कर दिए डेली रिचुअल के साथ मैं बता रहा हूं कि देखो यार पता है छोटी छोटी चीजों से ही जीवन बदलता है छोटी छोटी चीजों से अगर आप छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में अच्छी ऐड करना शुरू करेंगे ना आप देखेंगे कि आपका जीवन ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाएगा ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया चलिए ध्यान देते हैं चलिए सबका एक बार मैं कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ ठीक है मधुबाला छुटकी जी का बहुत आंसर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी को हर हर महादेव जय हिंद बहुत ही बढ़िया ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया प्रियम सिंह जी विकास मीना जी इलाहाबादी गर्ल जी सुडल उडल जी प्रेंस गुप्ता जी कुछ बच्चे तो एकदम मुझे याद रहते हैं बहुत बढ़िया है राखी जी बहुत अच्छे ठीक है क्या कह रहा है कि लड़कों का एक वर्ग ठीक है एक पंक्ति में खड़ा है ठीक है एक पंक्ति में खड़ा है एक लड़का दोनों छोर से क्रम में उन्नीसवें स्थान पर है मतलब क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि यहां पर एक लड़का खड़ा है यहां पर एक लड़का खड़ा है तो यहां पर उन्नीसवें स्थान पर है वो इधर से भी और इधर से भी ठीक है और मान लीजिए अगर पंक्ति है तो अगर ऐसे भी हम बना लें तभी भी वही कह रहे हैं ये तभी भी वो क्या कह रहे हैं वही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है हम यहाँ से भी उन्नीसवें स्थान पर है और यहां से भी यहां से भी उन्नीसवें स्थान पर है बच्चों एक बात बताइए अगर मैं अगर मैं, अगर मैं मैं इस तरह से खड़ा हूं और यहां से मैं उन्नीसवें स्थान पर हूँ और पीछे से भी मैं उन्नीसवें स्थान पर हूँ तो मैं तो दो बार काउंट हो गया है ना है ना प्रिंस गुप्ता जी कोई बात नहीं आप न्यू है तो फिर आइए सर मैं तो दो बार काउंट हो गया मैं आगे से भी और पीछे से भी उन्नीसवें स्थान पे हूं कोई मुझे आगे से गिनेगा तो उन्नीस सौ बताएगा और पीछे से गुने गिनेगा तो भी उन्नीस सौ बताएगा तो मैं तो दो बार काउंट हो गया है ना तो मान लीजिए कि मैं दो बार काउंट हुआ कोई दिक्कत नहीं है मैं यहां से भी उन्नीसवें स्थान पर हूं और यहाँ से भी उन्नीसवें स्थान पर हूं अगर मैं दोनों को जोड़ दो कितने बच्चे आएंगे अड़तीस बच्चे आएंगे लेकिन जो जो बच्चा उन्नीस उन्नीस एक यहां पर भी काउंट हुआ है और एक यहां पर भी काउंट हुआ है उसको हम एक माइनस कर देंगे उसको हम एक माइनस कर देंगे क्योंकि वो दो बार काउंट हुआ तो उसको हम लोग एक बार काउंट करेंगे बहुत बढ़िया राम 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 ठीक है, माइनस एक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा थर्टी सेवन आज संडे थोड़ा सा आराम से पॉज ले ले तो तो दिन सब लोग नहीं है जो सीरियस अपने को वो यहां पर है ठीक है एक बार चला सेशन को लाइक कर दी और सेशन कर दीजिए ठीक है शेयर कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं चलिए चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर टू पे ध्यान दीजिए मैं थोड़ा सा हाँ हट गया चलिए आइए इस पे ध्यान दीजिए बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया दोस्तों मुरारी जगसारा जी का थर्टी सेवन बहुत सही बहुत ही बढ़िया और जिसको मैंने बोला है कि जब भी आप आंसर दें तो आप ये बिल्कुल लिखें कि मैं किसका दे रहा हूं पहले का दे रहा हूं कि दूसरे का दे रहा हूं या फिर तीसरे का दे रहा हूं ठीक है तो आप ये जरूर लिखा करें ठीक है चलिए मा का मगर जी मच्छ जी आर आर क्या है चलिए आइए फटाफट आइए ठीक है बहुत बढ़िया आप राइट हो तो बहुत अच्छी बात है आगे बढ़िए इस इसमें बताइए फोर्टीन पहला ऑप्शन आया है मुझे फोर्टीन कि बोला है शानी देव स्टडी शनि देव सॉरी सॉरी प्रिंस गुप्ता जी का सेवनटीन सेवनटीन का है सेवनटीन और कोई प्रिंस गुप्ता जी का सेवनटीन है विकास मीना जी का सिक्सटीन है और अरिजीत कुमार जी का फोर्टीन है 16 है 14 है अरे अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोग के अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं दोस्तों चलिए 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 मागा मगर जी का फिफ्टीन है हे भगवान चारों ऑप्शन आज तो हो गया आज तो चारों ऑप्शन आपने दिए ठीक है थोड़ा सा बाहर आइए फटाफट और सही से सही से देखिए फिर से मैं आप लोगों को फिर से पांच सेकंड देता हूं ठीक है फटाफट फड़ फिर से क्वेश्चन को देखिए काउंट करिए और बताइए कितना आंसर है सेवनटीन फोर्टीन सेवनटीन फोर्टीन सेवनटीन फोर्टीन फटाफट फटाफट ठीक है करते हैं यहां पर करते हैं यहां पर चलिए ध्यान दीजिएगा कि ये तो एक हो गया ये दो हो गया ये तीन हो गया ये चार हो गया पांच हो गया छह हो गया सात हो गया आठ तो यही हो गया भाई अगर मैं एक एक ट्राएंगल को गिन लू अगर मैं एक एक ट्राइंगल को गिन लू तो आठ ट्राएंगल तो मेरे यहीं हो गए नहीं दिख रहा है क्या मैं कलर चेंज कर देता हूं ठीक है एक तो एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पांच हो गया छ हो गया, गया, गया सात हो गया और आठ हो गया ठीक है बच्चों आठ तो यहीं पे हो गया अब ध्यान दीजिएगा अब बहुत ध्यान दीजिएगा आठ तो हमारे हो गए मैं आठ यहां पर लिख लेता हूं कि मेरे आठ हो चुके हैं और आएंगे तो हमारा आगे बढ़ा देंगे एक बात बताइए अगर मैं इसको मिला दू और इन दोनों को मिला दूं तो मेरा एक और आ जाएगा अगर मैं इन दोनों को मिला दूं एक और आ जाएगा अगर मैं इन दोनों को मिला दूं ये वाले को ठीक है अगर मैं इसको मिला दूं तो एक और आ जाएगा अगर मैं इसको मिला दूं तो एक और आ जाएगा ठीक है अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं ध्यान दीजिएगा अगर मैं इसको मिला दूं दोस्त इसको तो मेरे पास एक और आ जाएगा कितने हो गए आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह आठ आठ पांच तेरह हो चुके हमारे हैं है। और देखते हैं और क्या करते हैं है? और, है। और सही से कर देता हूं ताकि आपको और देखे। एक, दो तीन चार पाँच छ सात आठ अभी तक हम दो ट्राइंगल को मिला रहे थे हमारे इतने हो गए। 17, 17 आ रहा है बहुत लोग का ठीक है अभी मैं देखता हूं ठीक है और बताता हूं ध्यान दीजिएगा दोस्त एक यहां से बन रहा है एक यहां से बन रहा है एक जो है यहां से बन रहा है और एक जो है यहां से बन रहा है चार और एड हो गए कितने हो गए आठ और चार बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह जिसका भी उत्तर सत्रह है दोस्त जिसका भी उत्तर सत्रह शानदार जबरदस्त बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है ना चौदह है ना पंद्रह है आंसर है सत्रह ठीक है बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया सेवनटीन सही जिन्होंने भी लिखा है बहुत बढ़िया एक बार अपना पीठ ठपठ पा लो इसलिए क्योंकि आज पढ़ रहे हो आप दूसरी बात कि आपने आंसर सही दिया है आप बच्चों आप जरा सोचो कि आपने ये उत्तर सही देखे ना ये जो है एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है जो वैकेंसीज आ रही हैं उनके पूछे हुए प्रश्न मैं लाया हूं तो आप जरा सोचिए अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो आप ऐसे उड़ा देंगे आप एकदम सही होंगे ठीक है आगे देखते हैं चलिए चलिए इस पर ध्यान दीजिए सब लोग सब लोग यहां पर देखिए सब लोग यहां पर देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में टैटू प्रॉब्लम है हाँ बिल्कुल मेडिकल में बहुत प्रॉब्लम है चलिए यहां ध्यान दीजिए अवनी जी बहुत बढ़िया बताए खुद को शाबाशी देना चाहिए घर अब क्या है कि आ, कभी कभी ना मतलब खुद को जो प्रेस करने वाली बात है बहुत जरूरी है करना चाहिए खुद के लिए अच्छा कि हां भाई बहुत अच्छी मैंने किया है वाव ये जब आपके अंदर आएगा ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका इससे बढ़ता नहीं बूस्ट होता है ठीक है चलिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कितना आंसर आया बहुत बढ़िया जिनका भी राइट है दैट्स वेरी गुड थर्ट सेवन आई गॉट फर्स्ट आंसर फ्रॉम प्रिंस गुप्ता दैट इज़ थर्टी सेवन ओके थर्टी सेवन इज़ द फर्स्ट आंसर आई हैव गेट एंड ठीक है माँ का मगर मत जी रवि यादव जी बहुत बढ़िया दीपक कुमार जी सुडल उंडल थर्टी सेवन थर्टी सेवन बहुत अच्छे बहुत अच्छे थाउजेंड परसेंट प्रिंस बहुत अच्छे बबलू जी थर्टी सेवन आर्मी लवर गौरव जी बहुत अच्छे दोस्त बहुत बढ़िया गगन जाटो जी थर्टी सेवन बेहतरीन बेहतरीन बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत ही अच्छे Avni very good very good ठीक है हमने क्या किया है अगर आप यहां पर थर्टी नाइन देखिए तो हमें पता है कि अगर हमें दो चीजों को हम प्लस करेंगे तो क्या थर्टी नाइन आ सकता है हम करके देख लेते हैं पांच और छह जोड़ेंगे तो ग्यारह आएगा तीन और तीन जोड़ेंगे तो छह आएगा ग्यारह छह जोड़ेंगे तो आपको सत्रह आएगा तो ये तो हमारा हो नहीं पाएगा तो हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ठीक है तो अगर इसका नंबर में इसके मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा पांच अक तीस आएगा कितना आएगा पांच अक तीस और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तीन तरीके नौ कितना है हमारा थर्टी नाइन तो बिल्कुल यहां पर भी वही किया होगा हम देख लेते हैं चेक कर लेते हैं कि वहां पर किया है या फिर नहीं किया है ठीक है सात और पांच पैंतीस आएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा और चार चौके सोलह आएगा तो छह और पांच ग्यारह हो रहा है तीन और एक चार और एक पांच बहुत आराम से आगे देखते हैं चार बारह और पांच पच्चे पच्चीस ठीक है पांच दो सात और जिनका भी उत्तर थर्टी सेवन है बहुत ही बढ़िया वैसे ये क्वेश्चन मैंने सिंपल डाला था ताकि आप थोड़ा सा बूस्ट हो ठीक है अब अब नहीं होगा लेकिन ऐसा चलो शुरू हो जाओ अब करो ये अब करो ये मैं देखना चाहता हूं कि सबसे पहले किसका ये उत्तर आता है सही मैं देखना चाहता हूं कि सबसे पहले किसका ये आंसर सही आता है चलिए चलिए फास्ट ठीक है ठीक है अब फास्ट करते हैं अब फास्ट करते हैं अब इसको क्वेश्चन देखिए फटाफट करिए सब लोग चलिए फास्ट चलिए फटाफट फटाफट फड़, फड़। चलिए ये बताइए दोस्त ये बताइए ये बताइए अभी तक तो मैंने स, थोड़ा सिंपल दिया था ठीक है थोड़ा उठा दिया आप लोगों को अब करिए चलिए करिए फटाफट फटाफट फड़। फड़ करिए मदर आ, सबसे पहला आंसर आया है अभी आ, रंजीत कुमार जी का मदर ठीक है और यादव यूपी सॉरी पीएस यूपी का आया है मम्मी ठीक है बहुत बढ़िया चाची बुआ हे भगवान <laughs> चाची माता बुआ कहाँ है माँ का मगरमच्छ जी बुआ कहा है ठीक है और कोई और कोई और कोई और कोई भाई मैं थोड़ा हट जाता हूँ अमरिली सॉरी हट जाता हूँ देख लीजिए देख लीजिए प्रश्न को बढ़िया से देख लीजिए ठीक है प्रियंका श्रीवास्तव जी बी माँ आ रही है माँ कहाँ है माँ है भाई यहाँ पे और कोई और कोई मधुबाला छुटकी जी मम्मी बहुत बढ़िया मदर मदर बहुत अच्छा अच्छा इज इज मम्मी करेक्ट कौन है अलाहाबादी हंड्रेड परसेंट देख लेते हैं देख लेते हैं ठीक है ध्यान दीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि हमारा जो टी है वो एस से कैसे रिलेटेड है हमारा जो टी है वो एस से कैसे रिलेटेड है अगर हमें ये इक्वेशन दिया हो अगर हमें ये इक्वेशन दिया हो एक बात बताइए हमें मल्टीप्लाई का क्या मतलब बताया गया यहाँ पर जो गुड़े का साइन है उसका क्या मतलब बताया गया दोस्त हमें बताया गया कि सर जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर क्या है कि गुड़े क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है मल्टीप्लीकेशन क्या मतलब है है है, है है, दोस्तों कि जो टी है वो आर का, जो टी है, जो टी है वो वो का, की बहन है. ठीक है मैं आर को माइनस से डिनोट कर देता हूं और लड़के को प्लस से आप वो मत समझिएगा नेगेटिव कुछ मत लीजिएगा ऊपर, ठीक है? चलिए बस मेरे डिनोशन करने का मेरे एग्जाम में फटाफट करने का एक तरीका है, है ठीक है चलिए अब क्या कह रहा है कि पी क्यू की बहन है तो ध्यान दीजिएगा मतलब जो टी है वो आर की बहन होगा प्लस का क्या मतलब बताया गया है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्त अब ध्यान दीजिएगा अभी तक किसी का आंसर सी आ रहा है किसी का चाची ठीक है देख लेते हैं अभी सब सब पे धप्पा होगा सबका धप्पा होगा इसलिए मैंने दिया है इसको चलो चलो ध्यान देना thì cái अब यहां पर डिवीजन का क्या मतलब है डिवीजन का मतलब है p पी क्यू का, मतलब का पुत्र है मतलब किसका और इसलिए मैंने ऊपर लिखा है ताकि ये बता चले कि हमारे माता पिता हमसे बहुत ऊपर है ठीक है मतलब बहुत ऊपर चलिए ध्यान दीजिएगा अब मुझे बताइए दोस्त अब मुझे बताइए कि टी का रिलेशन एस से क्या है जो मेरा टी का रिलेशन एस से क्या है जो टी है वो एस की बेटी होगी टी जो है वो की बेटी होगी और मेरा यहां पर ऑप्शन आएगा डी यहां पर ऑप्शन मेरा आएगा डी यहां पर कोई भी रिलेशन कोई भी रिलेशन फॉलो नहीं करता कोई भी रिलेशन फॉलो नहीं करता मनोहर कुमार जी बेटी आएगी और कोई भी रिलेशन फॉलो नहीं करता माता चाची बुआ कोई नहीं कोई नहीं ऑप्शन आएगा डी अब देखो डी आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बच्चों इसीलिए मैंने देखो मैं ऐसे क्वेश्चन डालता रहूंगा और मैं ही नहीं आपका जो रेलवे का जो एग्जामिनर है ना वो भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देगा इसलिए देगा क्योंकि उसको पता है कि बच्चे जो हैं वो अपना थोड़ा सा थोड़े से भटकेंगे और उनके पे प्रेशर ऑलरेडी होता मैं ऐसे ही छाड़ दूंगा देखो देखो अब सबके आंसर आ रहे हैं सबके मैं बोल रहा हूं कि एक दो क्वेश्चन सिंपल देता हूं उसके बाद मैं अच्छे क्वेश्चन डालूंगा ठीक है बेटी होगी और बेटी इज क्या इसमें से कोई ऑप्शन बेटी का नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं अब ध्यान दीजिए चलिए करिए क्वेश्चन ने धोखा दे दिया बिल्कुल चलो 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 ऐसे कैसे गलत होगा भाई ठीक है चलो अब इसको करो अब इसको करो मैं कह रहा हूं मे बी क्वेश्चन सिंपल हैं आपको ऐसा लगेगी अरे सर जी कैसा आप करके देखो आप करके देखो और फिर पता चलेगा क्वेश्चन है कैसे हैं मैं क्वेश्चन ट्रिकी लाता हूं क्योंकि रेलवे में ऐसा पूछा जाता है ठीक है आपको प्रॉपर मतलब कि अगर 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल तो कम से कम वो 10-12 क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि चलिए ठीक है डुएबल है सब करेंगे लेकिन उन दस बारह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा उन दस बारह से आप भीड़ में रहेंगे अगर आपको भीड़ से आगे निकलना है दोस्तों फिर आपको उनसे ऊपर क्वेश्चन करने पड़ेंगे और सही करने पड़ेंगे और मैंने बताया कि आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए इट शुड बी हंड्रेड परसेंट और जब तक हंड्रेड परसेंट ना आए एक्यूरेसी तब तक लगे रहो लगे रहो एकदम जी जान के और जिस दिन आए सिलेक्शन पांच 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 फाइव फाइव इज द आंसर कहाँ पांच भाई फाइव इज द आंसर ओके ओके भाई ओके भाई और बताइए बहुत बढ़िया सेवन इज द आंसर सेवन भी आ रहा है सिक्स सेवन छे और सात भी आ रहे अरे ऐसे कैसे आ रहा है दो दो आंसर भरोसा नहीं किया जा सकता तो भरोसा आप अपने स्टडी पे करिए मैम ठीक है अपने स्टडी पे आप भरोसा करिए ठीक है आप अपने स्टडी भरोसा करिए और फिर क्वेश्चन में भरोसा करिए ठीक है चलिए ध्यान देते हैं सबका दो तीन आंसर आ रहा है हम चेक करते हैं ठीक है आई एन टी ई जी आर ए टी आई ओ और एन ठीक है चलिए बताइए ठीक है सॉल्व करते हैं ठीक है यहां पर आएगा आई का क्या होता है आई ई जो हां आई का नाइन होता है एन का क्या होता है फोर्टीन टी का क्या होता है ट्वेंटी ई e का क्या होता है फाइव हाँ ठीक है फाइव जी ठीक है हाँ बताइए जरा तो E, किसी का अच्छा किसी का ऑप्शन ई e आया है क्या किसी का ऑप्शन ई e आया है जरा देखू एक मिनट हाँ एक लड़के का ऑप्शन ई e आया निस uh, कौन है बॉबी का? ई e भी आया है, ठीक है देख लेते हैं देख लेते हैं। ए, ठीक है चलो आगे देखते हैं कहा गया मैं? ई e, हाँ जी का सेवन आर एस टी तो इसका अठारह होगा इसका वन होगा इसका बीस होगा इसका नाइन होगा एम एन ओ तो इसका पंद्रह होगा और इसका एम का इसका चौदह होगा एम एन ओ ठीक है तो एक बात बताइए एक तो यहीं पे दिख रहा है है ना एक तो यहीं पे दिख रहा है और बताइए कॉमा लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें हाँ अब बताइए चलिए बताइए चलिए फटाफट कि नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस यहां से तो कुछ नहीं मिल रहा है चौदह से देखते हैं कि पंद्रह सोलह सत्रह अठारह एक देखिए यहां पर मिल गया दो हो गए मेरे में कितने हो गए दो हो चुके हैं आगे देखते हैं और मिले तो देखते हैं ठीक है बीस के बाद इक्कीस आएगा नहीं तो बीस से कहीं का कोई दिक्कत नहीं पांच के बाद छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह नहीं पांच से एक दो तीन कहीं नहीं मिल रहा है सात से आठ नौ दस, कहीं नहीं, आथ, नौ, दस कहीं नहीं मिल रहा है आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कहीं नहीं मिल रहा है अठारह से देखते हैं उन्नीस बीस देखिए एक यहां पर ही मिला ठीक है एक यहां पर ही मिला आगे देखते हैं यहां से देखते हैं अठारह उन्नीस बीस उन्नीस बीस

और कोई दिख रहा है किसी को और तो नहीं दिख रहा है मुझे तीन आ रहा है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दोस्त मेरा तो इनमें से कोई नहीं आ रहा है चार ऑप्शन है चार ऑप्शन है मेरा तो तीन ऑप्शन आ रहा है थ्री आ रहा है मेरा और किसका कहां पे ई टू ई कहाँ है भाई ई एफ जी एच आई जे के कहीं नहीं हो रहा है के ई एफ कहीं नहीं हो रहा है तीन ऑप्शन आ रहे हैं दोस्त थ्री आ रहा है नन मेरा थ्री आ रहा है मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ठीक है चलो इस पे देखो सब लोग चलो इस पर देखो सब लोग इसको देखो सब लोग हां चलिए इस पर ध्यान दीजिए सब लोग बच्चों एक बात बता रहा हूं पता है दिमाग से खेलना अपने या एग्जामिनर क्या होना क्वेश्चंस ऐसे देगा कि वो दिमाग से खेलेगा आपके ठीक है अगर आप जो है उसको थोड़ा अच्छे से वो कर पाएं थोड़ा उसको टैकल कर पाए ना आप बहुत ईजिली एग्जाम निकाल लेंगे ठीक है इट्स नॉट वेरी टफ जॉब लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी बहुत सही तरीके से आप मेरे साथ जुड़िए यहाँ पर आइए प्रश्न पर ध्यान दीजिए प्रश्न को देखिए और बताइए कि क्या यहां पर आएगा ऑप्शन ए राइट है ऑप्शन बी राइट है ऑप्शन सी है ऑप्शन डी और मैं देख लेता हूं कि, कि किसी का कोई ऑप्शन आया है रेनी ठाकुर जी का ए आया है और किसी का आ, बी है बी है मनु चौहान जी का बी है प्रिय सिंह का बी है मागा मगमन बी मोनू यादव जी बी मोनू चौहान जी बी है ठीक है और कोई चलिए यहाँ ध्यान देते हैं बी आया है और कुछ ऑप्शन गगन जाटो जी बी है सोनू कुमार जी लोकेश ऊपर चला गया कमेंट चलिए फटाफट फटा मनीष जी हां यादव मस्ती जी बी सबका बी है ठीक है बी कैसे आ रहा है बी कैसे आ रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटम आपको पता है कि अगर ये मेरा एटम है अगर ये मेरा क्या है एटम है एटम को मैं सी से डिनोट करता हूं सी से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सी का ऑप्शन दिया हुआ है एटम ठीक है सी है पूरा का पूरा क्या है हमारा सी है ठीक है अब क्या बोल रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उसके अंदर हमारा ए भी होगा और उसके अंदर हमारा बी भी होगा मतलब मैं ऑप्शन को लिख रहा हूं ठीक है आप इसका ध्यान दीजिएगा आप कंफ्यूज मत होगा बच्चों की मैं ऑप्शन को लिख रहा हूं यहां पर ए बी है और ये वाला ऑप्शन यहां पर बी बी है ठीक है बहुत ईजी वे में जहां पर भी ये दिख रहा हूँ हाँ जिसका भी, भी बहुत बढ़िया जिसका भी है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ठीक है लेकिन अब जो है अब अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं करिए ये करिए चलिए चलिए ये करिए सब लोग हां सोनू कुमार जी देखिए बात है ना जब आप क्वेश्चन को देखिए तो आप ना उसका बताइए कि आप फिफ्थ का कर रहे हैं सिक्स का कर रहे हैं सेवन का कर रहे हैं ठीक है ऐसे मुझे पता चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं ठीक है बिल्कुल भाई चलिए यहां पर ध्यान दीजिए सेवन का क्वेश्चन सेवन नंबर ध्यान दीजिए सिक्स का बी राइट कुमारी मनीषा सिक्स का अच्छा बी राइट ग्रेट तो फिर सेवन का बताइए मैम सेवन का बताइए चलिए सब लोग क्वेश्चन नंबर सेवन पे ध्यान दीजिए और फटाफट करिए स्वप्निलड़के so, जी क्या लिखा है चलिए यहां देखिए सब लोग सॉरी सॉरी बच्चों हट गया हट गया मैम रेनी मैम हट गया मैं चलो देख लो चलिए फटाफट बताइए बी 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 ऑप्शन आ रहे हैं बी ऑप्शन आ रहे हैं सुमैया जी का बी है ठीक है गौरव जी का बी है पूजा जी बी प्रियम सिंह बी ठीक है और क्या है मोनू बी मुरारी बी बहुत अच्छे बी और सी एक तो बी आ रहा है और एक सी आ रहा है दो ऑप्शन आ रहे हैं अभी एक बी और एक सी अभी भी सी आ रहा है अभी भी बी आ रहे हैं ठीक है बी और सी दो ऑप्शन तो हम देख लेते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो डाइस होती है उसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं ठीक है पता नहीं होगा तो मैं भी बता देता हूँ बहुत आराम से करेंगे को। देखिए, डॉलर का साइन दिया हुआ है। लिख लेते हैं भाई इसके सामने इसको कंसिडर करते हैं क्यों क्यों? मान लीजिए मैं इसको एग्जाम्पल ले लेता हूं मान लीजिए मैं इसको एग्जाम्पल ले लिया अगर आप इस एरिया को देख रहे हैं तो इसके पीछे ये एरिया है।, है ना अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसके पीछे ये एरिया है कहने का मतलब है कि यहां पर भी जगह खाली है यहां पर भी जगह खाली है ध्यान दीजिए अगर मैं इसको देख रहा हूं इसके फ्रंट को देख रहा हूं तो मेरे पीछे का खाली है और ऊपर का एक जगह खाली है, और नीचे का तो मैं अगर इसको कंसिडर करूंगा तो पीछे वाली बात हो रही है और ऊपर खाली है तो मैं जब इसको कंसिडर किया तो मेरे एक एक छोड़ के एक मिनट अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं तो उसको एक छोड़ के इसके सामने ये आएगा ठीक है ध्यान दीजिएगा अब मैंने इसको कंसिडर किया तो इसको एक छोड़ के ये आएगा तो जहां पर भी हैश टैग है उसके नीचे हमारा क्या आएगा ये बहुत बड़ा सा परसेंटेज ठीक है जहां पर हमारा ऐट द रेट है उसके सामने हमारा कॉपी आएगा ठीक है एट द रेट के साथ सी आएगा कोई दिक्कत किसी को इतने में किसी को इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आराम से देखते हैं ठीक है अब बताइए और एक, एक बात बताइए अगर आप इधर देख रहे हैं तो आपको यहां पर भी दिख रहा है अगर आप हाथ का मेरे इस पार्ट को देख रहे हैं तो आपको पीछे वाला पार्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है लेकिन अगर आप इधर देख रहे हैं तो ना आपको इधर दिख रहा है तो वही कह रहा है कि एक साथ कभी भी एक साथ कभी भी दो चीजें दो आमने सामने की चीजें एक साइड में नहीं दिखेंगी तो एक बात बताइए मुझे डॉलर दिख रहा है एट द रेट और कॉपी राइट एट द रेट और कॉपी राइट एक ही में दिख रहा है तो हमारा गलत हो गया क्योंकि हमें एट द रेट और कॉपी राइट एक साइड नहीं दिखेगा क्यों क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये हमारा यहीं पर गलत हो गया अगले पे ध्यान देते हैं ठीक है पर क्या है यहां पर है डॉलर साइन डॉलर साइन दिख रहा है, और पर क्या है? भी है जिसने भी ऑप्शन बी बोला है बहुत बढ़िया बहुत शानदार आपकी तैयारी चल रही है बहुत अच्छे ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों ठीक है बहुत अच्छे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कार्य करते चलिए बताइए इस पर क्वेश्चन नंबर एट पर ध्यान दीजिए सब लोग रिनी ठाकुर जी गुस्सा क्यों हैं आप भाई बी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे नरगिस कुमारी बहुत बढ़िया मधबाला जी ठीक है यदुवंशी जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे चलिए यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर एट पर ध्यान दीजिए और जब इस बार आप आंसर दीजिएगा ना बच्चों तो आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर एथ का आप बता रहे हैं एट का आंसर आप बता रहे हैं ठीक है चलिए बहुत अच्छे बताइए चलिए बहुत ही बढ़िया एट का बी एट का बी एट का बी आया है और कोई और कोई बी आ रहा है सर एट का बी ना एट का बी बता रहे हैं आप लोगों के आप लिखिए कि हां एट का बी है एट का बी एट का बी एट का बी आ रहा है ठीक है बी आंसर चेक कर लो एक बार आप क्वेश्चन नहीं आंसर भी चेक करो एक बार कि आंसर क्या दिया हुआ है आ, एक बार आंसर भी चेक करिए दोस्त एक बार आप आंसर भी चेक करिए ठीक है एक बार आप आंसर भी देखिए आप बी इसको बता तो रहे हैं आप बी इसको बता तो रहे हैं लेकिन बी इसमें है कहां पे बी आंसर में कहां पर है ध्यान दीजिए आप इसको बी बता तो रहे हैं, लेकिन बी आंसर में कहां है बी सी के पास है ध्यान दो बच्चों ध्यान दो आप देखो सी आ रहे हैं सबके <laughs> अब सी आ रहे हैं आपके ठीक है चलिए ध्यान देते हैं एक बार मैं भी कर देता हूं ठीक है एक बात बताइए दोस्त अगर कोई चीज ऐसे है और अगर अगर यहां पर ऐसे रखी हुई है और मैं अगर सीसे में यहां पर सीसा लगा दू तो वो कुछ ऐसे दिखेगी है ना अगर कोई चीज ऐसे है और मैं अगर यहां पर शीशा लगा दूं तो शीशे में ऐसे दिखेगी तो जाहिर सी बात है हमें एफ ऐसे दिया हुआ है और यहां पर मैंने शीशा लगाया तो वो हमें चीज ऐसे दिखेगी मतलब हमारा ऑप्शन बी राइट है बिल्कुल राइट है बी बी तो एकदम राइट है लेकिन लेकिन बच्चे यहां पर ऑप्शन बी है कहां पर यहां पर ऑप्शन बी है हमारे सी के पास किसके पास सी के पास अब समझ में आया आप लोग का गलत क्यों हुआ एट्थ का सी एट्थ के सी के पास बी ऑप्शन है हमारे ध्यान दीजिए एटथ के सी के पास भी ऑप्शन है हमारा ठीक है चलो मुझे मालूम था जल्दबाजी में बहुत लोग बीमारेंगे इसलिए मैंने दिया है इसीलिए मैंने दिया है और इसके पहले भी दो तीन क्वेश्चन मैंने ऐसे ही दिए हैं मैंने बताया संडे का दिन है आज तो चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं लेकिन ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देते हैं आप देख लीजिएगा जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और मैं बहुत छाट कर लाया हूं ठीक है प्रॉपर टाइम लगाकर आइए चलिए इस पर देखिए सब लोग धोखा हो रहा है <laughs> कोई बात नहीं चलिए चलिए बताइए फटाफट फटाफट बताइए रेनी ठाकुर आंसर बी और गुस्से वाली मेजी भाई ठीक है सर जी धोखा होता जा रहा है किरण रॉय कोई बात नहीं मैम अगले पे ध्यान दीजिए थोड़ा ध्यान दीजिए पता है ऐसे मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सिलिप मिस्टेक्स बहुत खराब चीज होती हैं अगर आपकी एक्यूरेसी लेट सपोज 100 परसेंट भी है ठीक है अगर आपकी एक्यूरेसी 100 परसेंट है लेकिन अगर आपने आंसर भी गलत लगा दिया तो मतलब आपका ध्यान जो है दो आपका जो कॉन्सन्ट्रेशन है शुरू से अंत तक एकदम परफेक्ट होना चाहिए ठीक है तभी जाकर आपको सेलेक्ट हो ठीक है चलिए आगो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को दोबारा Uh, मुरारी जी बिल्कुल मैं दोबारा कराऊंगा लेकिन पहले इन सब क्वेश्चन को देख लू बार ठीक है मैं भी कराता हूँ टेंथ के बाद मैं कराऊंगा ठीक है नाइन चल रहा है इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद मैं दे दूँ ठीक है चलिए ध्यान दीजिए इस पे नाइन्थ का हाँ किसी का है नाइन्थ का नन नन बी बी नाइन्थ का बी आ रहा है नाइन्थ का बी आ रहा है नाइन्थ का, का बी है नन इज अ प्रॉब्लम कहां पर है भाई नन का बी केवल अनुमान दो नहीं थे अच्छा दो है और बहुत लोग का नीदर नौर है ठीक है न का नन आंसर है है ठीक तो एक न तो बी चलिए ध्यान देते हैं ठीक ठीक है है अब मैं करता हूं प्रश्न को आप लोग कर चुके हैं तो अब मैं ध्यान देता हूं कि शहर के गड्ढों के कारण शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं हाँ ये तो है ठीक है अब क्यों होता है ऐसा हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है हमें जो प्रश्न में दिया है सिर्फ उसके बारे में सोचना है कि प्रश्न क्या दिया है शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं पहला क्या कह, कह रहा है पहला जो अनुमान है पहला जो हमारा एस्टिमेशन है समय पर हवाई अड्डो तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती है तो बहुत गलत बात है भाई अगर आप समय पर नहीं जाएंगे तो जहाज तो ऐसी उठ जाएगी हमारा एस्टिमेशन यहां पर हो गया गलत ठीक है अब ध्यान दीजिएगा कि हवाई अड्डों के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है हवाई अड्डों के लिए कोई अन्य मार्ग है हवाई अड्डों के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है जाहिर सी बात है कि हवाई अड्डों के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है अगर आपको हवाई अड्डे जाना है तो आपको उसी मार्ग से जाना पड़ेगा ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको हवाई अड्डे में जाना है तो उसके लिए एक परफेक्टली मार्ग बना हुआ है आप वहां से बहुत स्पीडली जा सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है तो देखिए हवाई अड्डों के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है जाहिर सी बात है तो आपको उन्हीं गड्ढों के बीच में से जाना पड़ेगा ठीक है तो दिस इज राइट दिस इज राइट और जिनका भी ऑप्शन जिनका भी ऑप्शन बी है जिनका भी ऑप्शन बी है कि ओनली टू इज इंप्लीसिड दो आता है उसका राइट है और बाकी जिसका भी नन आंसर हो एकदम सरासर गलत है दोस्त जिसका भी नाइन का बी है जिसका भी नाइन का बी है वो एब्सोल्युटली राइट right है और जिनका भी नाइन का ए है उनको गलत सही नहीं है ठीक है तो जिसका भी बी है वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड आज मैंने प्रश्न ऐसे सेट किए हैं पता है संडे का दिन है तो आज मैंने प्रश्न ऐसे लगाए हैं कि मुझे पता है कि आप प्रश्नों को देखेंगे और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मैं बता रहा हूं ऐसे प्रश्न जो हैं इस तरह के प्रश्न अगर कहीं पर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं रेलवे में मान लीजिए तो वहां पर कम से कम तीन से पांच क्वेश्चन तक ऐसे हैं जो कि बच्चों को फंसा देंगे और वो बहुत ईजी देखेंगे आपको ठीक है चलो यहां ध्यान देते हैं नाइन्थ टेंथ चलिए इस पर ध्यान दिए सब लोग यहां पर देखिए सब लोग चलिए यहां पर देखिए सब लोग अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन में फोर भी होगा सुडल नूडल जी मैं इस टेंथ के बाद देख लेता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन को सर ठीक है चलिए यहाँ ध्यान दीजिए हो सकता है ध्यान दिया मैं चलिए चलिए इसको करिए यस मिस्टेक नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूं मैम सच में मैंने पूरे किए मैंने चलिए फटाफट 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 मेरा शर्ट फटा हुआ है कहां पे? अच्छा ये अरे नहीं यार ये ऐसा है स्टाइल है चलो चलो फटाफट फटाफट क्वेश्चन पे ध्यान दो शर्ट पे नहीं प्लीज चलिए ध्यान से बाप रे कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन भाई आपका क्वेश्चन पे ऐसा ऑब्जर्वेशन रखो चलो चलो फटाफट गाइस फटाफट 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 वन वन बहुत बढ़िया वन आंसर आने शुरू हो गए बहुत लोग रिन्न ठाकुर जी वन कहां पर है वन मैम यहां पर है वन चलिए और कोई और माँ का मगर दोनों सही है माँ का मगर मची का दोनों सही है ठीक है दोनों अच्छा मुझे आप आंसर बताइए कि टेंथ का क्या है ए बी सी क्या है बताइए वन सही है करके देख लेते हैं करके देख लेते हैं ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा कि मधुर आवाज प्रकृति का एक उपहार है जाहिर सी बात है कि जो बहुत बचपन से एक बच्चा गाते हैं वो अच्छा गाते हैं हमारी आवाज तो मतलब अच्छी है मधुर आवाज प्राकृतिक का एक उपहार है परंतु किसी को संगीत के क्षेत्र में सुधार और उत्कृष्टता लाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है ठीक है कोई भी हो कोई भी हो अगर वो भाई आवाज अच्छी है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको संगीत में उत्कृष्टता प्राप्त करना है आपको बहुत अच्छा बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये हमेशा और हर फील्ड की ही बात है ठीक है चलिए क्या बोल रहा है कंक्लूजन में क्या रहा है कि प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है बिल्कुल अगर आपके पास आवाज है तो अगर आप उसका पोषण और देखभाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे खराब हो जाएगी नॉर्मल हो जाएगी ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा तो ये हमारा बिल्कुल राइट है सतत अभ्यास के द्वारा एक व्यक्ति प्राकृतिक उपहार को प्राप्त कर सकता है नहीं अगर प्राकृतिक उपहार को आप ऐसे ही प्राप्त कर सकते तो उसका नाम प्राकृतिक क्यों होता हो तो ठीक है नहीं होता वो तो आर्टिफिशियल होता परिक्रमित होता ठीक है किसी और के द्वारा होता लेकिन हम सतत द्वारा प्राकृतिक उपहार को नहीं पा सकते हैं ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा तो ये उत्तर हमारा गलत है और जिसका भी जिसका भी पहला राइट है बहुत शानदार जा जबरदस्त बच्चे बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया ठीक है अब मैं एक बार क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देख लेता हूं थोड़ा सा ठीक है फिफ्थ को कहां से एन टी ओ पी क्यू आर एस टी अरे हाँ बिल्कुल 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 चार आएगा चार आएगा चार आएगा सर रिली सॉरी चार आएंगे जिसके भी आंसर फोर है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन सर सुडल उडल जी बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका वेरी गुड एक बात और टेन क्वेश्चन में से टेन क्वेश्चन में से किसका दस में से दस राइट है मुझे बताइएगा जरा तो आज मैं जरूर देखना चाहूंगा सब लोग हां नेक्स्ट चलूंगा राखी मैम नेक्स्ट चलूंगा पहले आप मुझे बताइए कि दस प्रश्न में आपने कितना राइट है आपका चलिए बताइए जरा तो फटाफट फड़ बताइए कि टेन क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन आज राइट किए हैं बताइए चलिए चलिए फटाफट फटाफट मुरारी जगसारा जी पाँच को दोबारा बताऊं ठीक है पाँच कहाँ गया भाई एक, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ठीक है पाँच एक बार देख बच्चों ध्यान से ठीक है एक बात देखिएगा अगर मैं ऐसे ही देख लू एक बार तो यहां पर एम एन ओ और यहां पर एन ध्यान दीजिएगा एन ठीक है ओ पी क्यू आर एस टी दो तो यहीं पे मिल गए ठीक है और बताइए दो कहां से मिल सकते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिए ठीक है कहां पर है? नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह कहीं नहीं आ रहा है चौदह को देखते हैं तो पंद्रह सोलह सत्रह अठारह एक यहां पर मिल रहा है हमें ठीक है एक दो तीन हमें मिल चुका है ठीक है तीन हमें मिल चुके हैं एक और पे देख लेते हैं हम ठीक है ध्यान देते हैं कि पांच से छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह नहीं मिल रहा है हमें आगे देख लेते हैं कि अठारह से उन्नीस बीस अठारह से बीस ठीक है एक दो तीन और ये वाला ऊपर वाला चार तो जिसका भी ऑप्शन चार है दोस्तों बहुत अच्छे ठीक है एक यहां पर हमें मिल रहा है एक यहां पर मिल रहा है एक यहां पर मिल रहा है और एक यहां से यहां तक मिल रहा है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया टेन में से अभी तक किसका कितना राइट है जरा बताइएगा तो टेन में से अभी तक किसका किसका मुझे देखना है कि सच में बच्चों मजाक नहीं किसका दस में से दस राइट है दिलशाद फैक्ट्री का बहुत बढ़िया दस में से पांच बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा दोस्तों दस में से नौ सूडल मंडल जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे सर बहुत बढ़िया अगर आपके क्वेश्चन आज के क्वेश्चन से आपने दस में से नौ सॉल्व किए ना तो दैट्स वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट मैं जा रहा हूं नेक्स्ट जा रहा हूं और कोई रेनी ठाकुर जी का ट्वेल्थ में से टेन ट्वेल्व क्वेश्चन तो कराए नहीं मैंने और कोई एटथ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्वप्निल हटके जी का एट्थ आया बहुत सही प्रीति जी का कितना है एटथ आया ओके माँ का मगर जी एट ठीक है अब एलेवेंथ क्वेश्चन में ध्यान देते हैं चलिए करिए सब लोग तो करिए सब लोग शायद आपको प्रश्न जो है वो थोड़े से वो लगे कि अरे सिंपल लेकिन आप इनको करके देखिए आंसर लाइए फिर बात करेंगे चलिए चलो, चलो 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 भाई चलो भाई चलो टेंथ का एट टेंथ का नाइन बहुत अच्छे टेन नाइन प्रियम सिंह जी का एट्थ आया है उसके बाद अभिषेक सर जी का टेंथ का नाइन आया है और गगन जाटो जो टेन आउट ऑफ टेन गुड गुड अलाहाबादी का जब टेन आउट ऑफ टेन राइट वेरी गुड वाह जिनका भी दस में दस सही होगा भाई बहुत अच्छी बात है बहुत ही बढ़िया बात है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे इलेवन का आंसर किसी ने बताया कमेंट uh, ऊपर चला गया एलेवन का बी स्वप्निल लड़के जी इलेवन का बी कहा है भाई इलेवन का बी यहां पर है और कोई और कोई और कोई एलेवन का बताइए इलेवन का बताइए सर इलेवन का बताइए सब लोग चलिए इलेवन का बताइए अब लेवन का होता है टेन में सिक्स पाल संगी संगीता ठीक है दस में छः कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलिए चलिए फटाफट बताइए फटाफट बताइए इलेवन का बी ठीक है बी करके देखते हैं क्या बोला गया है मैंने आपको बोला है सीधी सी बात है कहीं पर भी कहीं पर भी जब आपको डायरेक्शन दिया हो तुरंत दस सेकंड के अंदर तुरंत दस सेकंड के अंदर आप ये करिए उत्तर है दक्षिण है ये पूर्व है ये पश्चिम है ठीक है खत्म अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए ध्यान दीजिएगा अगर दक्षिण पूर्व को अगर इसे पूर्व कहा जाए इसे क्या कहा जाए पूर्व कहा जाए उत्तर पश्चिम को पश्चिम ध्यान दीजिए उत्तर और पश्चिम को क्या कहा जाए भाई साहब पश्चिम कहा जाए हमारा जो उत्तर पश्चिम को जो तरफ जो लाइन जा रही है उसको क्या कहा गया है पश्चिम कहा जाता है और दक्षिण और पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है जो दक्षिण और पश्चिम है उसको क्या किया जाता है दक्षिण कहा जाता है ठीक है तो बचा क्या हमारे पास हमारे पास क्या बचा हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा, हमारे पास बचा? उत्तर को क्या कहा जाएगा उत्तर को कहा जाएगा उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व कहां पर आंसर उत्तर पूर्व जिन्होंने भी ऑप्शन बी रखा है दैट्स वेरी गुड बहुत बढ़िया बच्चे बहुत अच्छे बहुत अच्छे ग्यारह का ऑप्शन बी करेक्ट है एकदम करेक्ट है मैम चलो आगे देखते हैं ट्वेल्थ पे ध्यान दीजिए सब लोग एवरी सॉल्व दिस क्वेश्चन बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऐसे ही लगे रहिए दोस्तों संडे के दिन आप यहाँ पर हैं ज़रा सोचिए बहुत बड़ी बात है <laughs> संडे के दिन आप आके पढ़ रहे हैं बहुत बड़ी बात है एक बार ज़रा शेयर कर दिए सब लोग तो सब फटाफट -फड़। सब लोग शेयर कर दीजिए और लाइक भी करिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो चलिए क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगें और तो फिर लाइक करिए चलिए फटाफट -फड़। चलिए फटाफट हटके करिए करिए फटाफट -फड़। करिए स्पील हडके जी ने सबसे पहले दिया था बिल्कुल बिल्कुल मैंने तो पहले ही बताया मैं तो फिराक में रहता हूं कि कोई जल्दी दे मैं उसका ऑप्शन बताऊं आप 12 का बताइए 12 का ही बताइए सबसे पहले 12 12 का, 12 का, 12 का 12 सबसे पहले ट्वेल्व का बताइए सबसे पहले ट्वेल्व का बताइए फटाफट 11 का ट्वेल्व का स्वप्नल हडके जी ट्वेल्व का क्या फटाफट बताइए ट्वेल्व का बताइए सब लोग और लिखिए कि का ए है ट्ल्व का बी है ट्वेल्व का सी है ऐसे समझ में आएगा आपको ट्वेल्व का सी है फटाफट करिए फटाफट करिए है ट्वेल्व का है। ए आया है, है। और किसका आया है कमेंट चला गया ऊपर संध्या कुमारी जी का बी आया है ठीक है डी आया है ट्वेल्व जी का ए आया है ए आया है और बी आया है और किसी का कुछ और किसी का कुछ ट्वेल्व का ए है प्रिंस बहुत अच्छे माँ का मगर ठीक है बहुत बढ़िया चलिए दोस्तों ठीक है हम करते हैं एक बार देखते हैं किसका क्या है पहले यहां पर लिखा है ठीक है ओ पी एम ओ डैश एन दो डैश पी एन एम ओ पी और डैश मैंने बताया कि पहले आप इनको काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह कितने प्लेसेस हैं सोलह एक बात बताइए जब ऐसे क्वेश्चन हो तो हमें जितने भी प्लेसेस दिए रहते हैं ट्वेल्थ इज द करेक्ट ऑप्शन वेरी गुड ट्वेल्थ इज द करेक्ट ऑप्शन टेक्नीशियन ट्वेल्थ ए बहुत बढ़िया बहुत अच्छे दोस्तों बहुत अच्छे करते हैं यहां पे ठीक है मैंने बताया कि जब आपको सोलह दिया है ठीक है सोलह दिया है तो एक बात बताइए मैंने बताया कि उनको आप बांट लीजिए बांट लीजिए अलग अलग तो सोलह को मैं बांटूंगा तो मैं कैसे बांट सकता हूँ सोलह को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ग्यारह और पांच नहीं मुझे एकदम बराबर हिस्सों में बांटना है ठीक है आठ और आठ ठीक है अब आठ हम करेंगे तो इसको भी दो हिस्सों में बांट लीजिए चार 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 और चार सोलह हो रहा है सोलह हो रहा है तो हम चार चार का स्लिप ले लेंगे एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार और एक दो तीन चार ठीक है चार चार का हमने इसलिए ले लिया ठीक है अब हम इस कंपार्टमेंट में क्या करेंगे हम देखते हैं कि हमें ये स यहां पर जो दिया रहेगा वही यहां पर दिया रहेगा वही यहां पर दिया रहेगा और वही चीज यहां पर दी रहेगी तो एक बात बताइए क्या यहां पर एम ओ डैश एन दिया है तो यहां पर मैं एम ओ डैश मतलब पी आ सकता है हो सकता है यहां पर और यहां पर क्या आ सकता है एन आ सकता है आ सकता है, है गाइस बिल्कुल आ सकता है तो एम ओ पी एन M o पी और यहां पर क्या आ जाएगा मेरा एन तो दोस्त एक बात बताइए कि यहां पर एम है यहां पर एन है यहां पर पी है कहां पर ऑप्शन आ रहा है एम एन पी और कहीं आ रहा है एम एन पी एम एन पी ठीक है ये तो ऐसे ही खत्म हो गए ये दोनों ऐसे ही खत्म हो गए एम एन पी आ गया मेरा एम ओ एन एम ओ एन बस खत्म डी भी मेरा खत्म हो गया और मेरा जितने भी ऑप्शन ए दिया है दोस्तों शानदार जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे दोस्त और अभी तक जिसका अभी तक जिसने, जो यहां तक बना हुआ है अपनी और बहुत अच्छी बात है दोस्त आप यहां पर बने हुए हैं सच में बहुत बढ़िया बात है खुद को सेल्फ सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप सेल्फ से मोटिवेटेड नहीं है अगर आप बाहर ढूंढ रहे हैं कहीं पर ना मोटिवेशन की आ, उनका वीडियो या कुछ फायदा नहीं है खुद से अंदर से आना चाहिए कि पढ़ना है देखना है आंसर राइट करने हैं आगे चलिए इसको करिए Uh, कुमारी का बिल्कुल दिख रहा है मैम बिल्कुल दिख रहा है चलिए देखिए अब इसको ध्यान दीजिए का 13 का 13 का बताइए आप लिखिएगा कि ठीक है मैं हट जाता हूं, स्क्रीन पे मैं हूं चलिए करिए अब अलाहाबादी गल जी आई एम राइट बहुत अच्छे मैम आप लोग को सिर्फ यहीं पर राइट नहीं होना है आप लोगों को जिंदगी में राइट होना है और जहां पर आप एग्जाम देने जा रहे हो वहां पर एकदम राइट होना है भाई वहां पर वहां पर आपकी जो आपका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट यहां पर इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए यहां पर इतना पसीना बहा लीजिए कि जब मैदान जंग में खून आपको कम बहाना पड़े खून कम बहाने का मतलब कि आपके जो निगेटिव मार्किंग है जो आपका निगेटिव मार्किंग है वो थोड़ा कम हो ठीक है चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन का किसी का आंसर आया है ट्वेल्व का ए एर्टीन का बी पहला अखिलेश यादव जी का आंसर मैं देख पा रहा हूं थर्टीन का बी है uh, स्वपीन हड़के जी का थर्टीन का सी है uh, खुशी प्रजापति जी का बी है ट्वेल्व का ए ठीक है यादव जी बी सी तो बी और सी दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पे कितने ऑप्शन आ रहे हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पे ठीक है एक मिनट मैं बता देता हूं फिर मैं कमेंट पर ध्यान देता हूं चलिए क्या कह रहा है कि बीट बी ई ए और टी उसके नीचे क्या बोल रहा है एस डबल डी और ई एक बात बताइए बी को क्या लिखता हूं मैं दो नंबर पे बी आता है पांच नंबर पे ई आता है एक नंबर पे ए आता है और टी हाँ ट, जो टी हाँ ये कितने पे आता है? बीस पे आता आता है है ठीक है ये बोल रहा एस टी तो ये आता है हमारा उन्नीस नंबर पे डी कितने पे आता है भाई चार पे आता है ये डी कितने आता है चार पे आता है और ए कितने पे आता है पांच पे आता है एक बात बताइए एक बात बताइए हम कर क्या रहे हैं यहां पे हम यहां दो है अब नीचे कहीं दो से कुछ आगे बढ़ रहे हैं बताइए जरा बताइए 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 एक बात आई यहां पर उन्नीस है यहां पर बीस है तो बीस में से अगर एक माइनस किया उन्होंने बीस में से क्या किया एक माइनस किया बीस में से क्या किया एक माइनस किया तो यहां पर उन्नीस आ गया और कुछ और कुछ जब यहां पर बीस में से एक माइनस किया हमें दिख रहा है कि पांच से चार भी तो हुआ है क्या करके माइनस एक करके मतलब इस बी में और इस ए में कुछ अलग चीज किया हुआ है इस बी में और इस एक चीज में कुछ अलग माइनस किया है अगर बी में ध्यान दीजिएगा अगर दो में अगर दो में ध्यान दीजिए अगर दो में मैंने तीन जोड़ दिया दो में मैंने तीन जोड़ दिया तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा दो में तीन जोड़ दिया दो में तीन जोड़ दिया कि मतलब कि अगर में मैंने बी में मैंने तीन जोड़ दिया तो सी डी ई कहां पहुंच गया मैं ई पे मतलब कि पहले वाले में हमें क्या किया है कि तीन जोड़ा है फिर एक घटाया है फिर क्या किया होगा वो तीन जोड़ा होगा ए के बाद बी सी डी तीन जोड़ के आया है समझ में आया आपको पहले तीन जोड़ा है फिर एक घटाया है फिर तीन जोड़ा है और फिर एक घटाया है आगे देखते हैं अगले वेब कहां डी हाँ, ठीक है ध्यान देते हैं कि ये हमारा कितने थर्टीन पे आई कितने होता है नाइन पे, पे ठीक है एम एल एम तो ये कितने ट्वेल्व पे, पे और डी कितने पे होता है हमारा चार पे एक बात बताइए दोस्त एक बात बताइए पहले क्या है हमें तीन जोड़ा गया है हमें क्या किया गया तीन जोड़ा गया तो अगर मैं तेरह में तीन जोड़ूंगा तो सोलह हो जाएगा सोलह नंबर पे कौन है मेरा सोलह नंबर पे कौन है मेरा जरा, जरा तो कौन है ऑप्शन सोलह नंबर पे और यहां से क्या किया गया है ध्यान दीजिए क्या है? यहां से हमें एक माइनस किया गया है तो चार से अगर एक माइनस करेंगे तो ऑप्शन आएगा सी तो एक बात बताइए यहां तो बी वाले तो ऐसे ही खत्म हो गए भाई बी वाले तो ऐसे खत्म हो गए मैंने लास्ट में एक किया मैं आया सी पे और बी वाले ऐसे मेरे खत्म हो चुके हैं अब ध्यान दीजिएगा सी ओ एच तक तो भाई सी ओ एच तक तो दोनों में सेम है सी ओ तक दोनों में सेम है तो मुझे सिर्फ करना क्या है मुझे करना है कि अगर मैं एम में थर्टीन में मैं तीन जोड़ दू मतलब कि चौदह पंद्रह सोलह तो एम एन ओ पी कहां पहुंचूंगा मैं एम एन ओ पी कहां पहुंचूंगा पी पी पे तो जहां पर भी ऑप्शन में दिख रहा हो जहां पर भी ऑप्शन में पी दिख रहा हो सी भी दिख रहा हो और पी भी दिख रहा हो हमारा ऑप्शन क्या होगा राइट होगा सब मिला जुला के जो है बी राइट है, ठीक है? आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे चलिए अगले पे ध्यान देते हैं अब मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छे बहुत बढ़िया यार वेरी गुड बहुत तेज है आप लोग तो यार चलिए अब इस पर ज्यादा तेज है इस पर ध्यान दीजिए अब करके दिखाइए चलिए आज संडे का दिन है बहुत बढ़िया चलिए थर्टीन फोर्टिन करिए बी बहुत बढ़िया बी ऑप्शन है बी ऑप्शन बहुत अच्छे बहुत अच्छे थ्री रिनी ठाकुर जी ने लिखा माइनस बहुत बढ़िया मैम बहुत ही अच्छे मधुबाल जी ने बी बहुत अच्छे आप लिखिए मैंने बताया दोस्तों कि अगर आपको ना जैसे कि आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना आप लिखिए कमेंट में बाकी जो इसका गलत होगा समझ में आया कि हाँ ऐसे हुआ है बाकी मैं तो हूँ ही बताने के लिए ठीक है चलिए बहुत बढ़िया और विकास यादव जी बिल्कुल दिख रहा है सर आपका कमेंट चलिए ठीक है राखी जी बिल्कुल चलिए ले लिया मैम राखी मैम आपका नाम चलिए देखिए क्या है भाई यहाँ पे 42 किसका आंसर आया पहली बात 42 कौन है प्रिंस गुप्ता जी का 342 और कोई और कोई 342 342 42 थ्री कहाँ अच्छा 42 ठीक है बी और कोई प्रिंस गुप्ता जी ठीक है सर और 343 फोर्टी थ्री इज अ कम इलाहाबादी गर्ल थ्री फोर्टी थ्री कहाँ पर है थ्री फोर्टी थ्री यहाँ पर है मैम और कोई थ्री फोर्टी टू थ्री फोर्टी टू और थ्री फोर्टी थ्री ठीक है दो कमेंट्स आ रहे हैं मुझे डी भी आ रहा है ऑप्शन में हाय हाय डी कमेंट भी आ गया यार एक बचा है कोई दे दे तो मतलब दिन बन जाए मेरा आज का बच्चों ध्यान से जहां पर भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से करिए बहुत आराम से करिए थोड़ा सा एक सेकंड ज्यादा बात कमेंट करें कोई बात नहीं ठीक है चलिए लेकिन सही करिए ठीक है आप यहां पर एक्यूरेट होंगे वहां पर हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट होंगे चलिए ध्यान देते हैं क्या लिखा है सेवन ट्वेंटी सिक्स सिक्सटी थ्री वन ट्वेंटी फोर और टू वन फाइव और यहां पर जिसको भी जिसको भी जिसने भी क्यूब वन टू ट्वेंटी लिखा है ना चार पांच दिन से दस दिन से जब से मेरी दस दिन से ज्यादा है टेंथ लेक्चर है, तो, uh, है, है जब से मेरी क्लास नाइन्थ लेक्चर है सॉरी जब से मेरी क्लास चल रही है अगर तब से भी आपने सिर्फ स्क्वायर वन टू फोर्टी क्यूब वन टू ट्वेंटी टेन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ठीक है डिवीजन ये तीनों चीज ये चारों चीज और ये दोनों चीज जिसने भी किया है ना रिलीजियसली फॉलो किया है जिसने भी भाई मैं बता रहा हूं कि वो तो इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देगा चुटकी में ठीक है चलिए देखते हैं सात को मैं देख पा रहा हूं छब्बीस दिख रहा है तिरसठ एक और दो क्या रिलेशन भाई क्या हमें सात न दिख के हमें दो का ध्यान दीजिएगा दो का क्यूब माइनस एक दिख रहा है आठ में से एक घटाएंगे सात दिख रहा है क्या ये तीन का क्यूब माइनस एक दिख रहा है क्या ये चार का क्यूब माइनस एक, एक दिख रहा है क्या ये पांच का क्यूब माइनस एक दिख रहा है क्या ये छे का क्यूब माइनस एक दिख रहा है तो क्या यहां पर सात का क्यूब माइनस एक होगा सात का क्यूब सबको पता है मैंने बताया है कि थ्री फोर्टी थ्री होता है थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री होता है लेकिन थ्री फोर्टी थ्री तो आंसर ही नहीं हमारा हमारे आंसर में क्या करेंगे हम एक माइनस कर देंगे एक माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या है थ्री फोर्टी तो जिसका भी थ्री फोर्टी टू आया दोस्तों बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छे और जिनका भी थ्री फोर्टी थ्री आया है नहीं बढ़िया है आपने एक माइनस क्यों नहीं किया चलो यहां पर ध्यान देते हैं फोर्टीन क्वेश्चन हो गया फिफ्टीन पे ध्यान देते हैं चलिए आराम से करे किया हम लोगों ने ठीक है सेशन बहुत आराम से किया हमारा ओवर हो चुका है कल से मैं थोड़ा क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाऊंगा प्रॉबेबली uh, 20 तक क्योंकि एक घंटे क्वेश्चन चला तो कम से कम बीस पच्चीस क्वेश्चन आप हो प्रैक्टिस के लिए कम से कम एक सेट तो मिले प्रॉपर आपको ठीक है चलिए इस पर ध्यान दीजिए आप लोग आज संडे का दिन है रनी ठाकुर माइनस वन कुमारी मनीषा जी बहुत बढ़िया मैम बहुत ही अच्छे बी राइट बहुत अच्छे मैम स्टूडेंट रंजी बहुत अच्छे सर मनोज लंग जी ठीक है जल्दी 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 फटाफट इसको बताइए सब लोग फिफ्टीन का आंसर बताइए सब लोग लिखिए फिफ्टीन का कितना है फटाफट बताइए मैं फिर आगे बढ़ लूंगा जल्दी करिए फटाफट बताइए पहला ऑप्शन आया है प्रिंस गुप्ता जी का 14। और कोई जी का ट्वेल्व आया है फिफ्टीन का डी ठीक है फोर्टीन और ट्वेल्व रुद्रा राजपूत कोई थे उनका ट्वेल्व आया है फोर्टीन इज द आंसर फोर्टीन इज द आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे दोस्तों फोर्टीन ठीक है अब करते हैं काउंट धप्पा न हो जाए आपके साथ करते हैं ठीक है ये हमारा एक है हम किसकी बात कर रहे हैं जरा बताइएगा हमें वर्ग निकालने क्या निकालने वर्ग क्या निकालने हमें स्क्वायर ओके चलिए ध्यान देते हैं एक तो ये हो गया दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस फिर से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस तो मेरे ऐसे ही हो गया भाई अगर मैं एक इसको ले लू ग्यारह कितने हो गए ग्यारह एक इसको ले लूं। बारह एक इसको ले लूं। तेरह कितने हो गए मेरे तेरह तो यहीं पर हो गए कितने हो गए भाई तेरह तो यहीं पर हो गए चौदह कहां से दिख रहा है लोगों को बताइए तेरह तो मेरे यहीं पर हो चुके मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर हूँ ताकि आपको दिखे एक तो देखिए यहां पर दिख रहा है एक दूसरा यहां पर दिख रहा है दो और तीसरा यहां पर दिख रहा है तीन ठीक है दस मेरे हो चुके थे पहले तीन अब दस पहले हो चुके थे तीन अब अब एक और कहां पे लोग बता रहे हैं एक और कहां पे लोग बता रहे हैं एक बता रहे हैं जो लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व किए होंगे उनको एक और दिखा होगा बड़े प्यार से यहां पर ठीक है बच्चों तो यहां पर एक और दिखा होगा और जिनका भी ऑप्शन फोर्टीन है बहुत शानदार जबरदस्त आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है अब मुझे बताइए कि पंद्रह में से आपका कितना राइट है अब मुझे बताइए कि पंद्रह में से आपका कितना राइट है फटाफट 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 टाइम बहुत कम है दोस्त फटाफट बताइए कि फिफ्टीन में से आपका कितना राइट है फोर्टीन फोर्टीन बहुत बढ़िया मधुबारा छुटकी जी फोर्टीन बहुत बढ़िया प्रियंका कुमारी अखिलेश कुमार यादव जी बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया बताइए फिफ्टीन में से आपका कितने क्वेश्चन राइट हैं चलिए बताइए सब लोग रीन ठाकुर जी फोर्टीन बहुत बढ़िया मैम बहुत बढ़िया फोर्टीन है ठीक है सेवन में आया सबको चलिए फटाफट बताइए फिफ्टीन में से फिफ्टीन आउट ऑफ थर्टीन स्वप्निन हटके जी का थर्टीन बहुत अच्छे सर माँ के मगरमत जी का थर्टीन बहुत अच्छे थर्टीन बहुत एकदम सही आंसर दे नाइन एकदम जितना आपका हो उतना ही बताइएगा ठीक है फिफ्टीन ऑफ फिफ्टीन किसका है रवि कुमार मीना जी का बहुत बढ़िया यार बहुत अच्छे फिफ्टीन आउट ऑफ थर्टीन स्वप्न जी बहुत बढ़िया सुरन जी मनीषा अलाहाबादी गर्ल फोर्टीन राइस बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है तो अभी जैसे आपको प्रश्न दिख रहे हैं दोस्तों वैसे प्रश्न मैं एकदम से लाता रहूंगा हमारे साथ जुड़िए बेहतरीन सेशन का आगाज होगा धीरे धीरे ठीक है चलिए ठीक है बहुत अच्छे आप लोग के हो गए चलिए आज के सेशन का अंत करते हैं फिर यहीं पर आप सभी को हर हर महादेव ठीक है आज का दिन शुभ हो ठीक है शाम को सब लोग थोड़ा सा घूमेंगे ये नहीं कि दिन भर पढ़े ही ठीक है तो आज संडे का दिन है तो थोड़ा उसको ऐसे जिएगा ठीक है चलिए चलिए अंत करते सेशन का